जब अपनों पर बात आती है तब अपन की हट जाती है। हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म से लेकर अब तक उन्होंने जितनी भी फिल्में अपने करियर में की है उन सभी फिल्मों के बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और कभी आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करूंगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म थी हीरोपंती। हीरोपंती करेगा क्या, करूँ यार, सबको आती नहीं, मेरी जाति नहीं। हीरोपंती एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी और ये फिल्म 23 मई 2014 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, कीर्ति सेनन और प्रकाश राज लीड रोल में थे और इस फिल्म को साबिर खान ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म का बजट था 25 करोड़ और इस फिल्म ने इंडिया में नेट कलेक्शन 52 करोड़ 70 लाख का किया था। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में 75 करोड़ 90 लाख का कलेक्शन किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी। इनकी दूसरी फिल्म थी बागी। तो खत्म, इतनी जल्दी क्या, अभी तो मैंने स्टार्ट किया। बागी एक एक्शन रोमांटिक फिल्म थी और ये फिल्म 29 अप्रैल 2016 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू लीड रोल में थे और इस फिल्म को साबिर खान ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म का बजट था 37 करोड़ और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इंडिया में नेट कलेक्शन 76 करोड़ 10 लाख का किया था। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में 125 करोड़ 90 लाख का कलेक्शन किया था और ये भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी। इनकी तीसरी फिल्म थी ए फ्लाइंग जट। ए फ्लाइंग जट एक एक्शन एडवेंचर सुपर हीरो फिल्म थी और ये फिल्म 25 अगस्त 2016 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, जैकलिन फर्नांडिस और केके मेनन लीड रोल में थे। इस फिल्म को रेमो डिसूजा ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म का बजट था 45 करोड़। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इंडिया में नेट कलेक्शन 38 करोड़ 57 लाख का किया था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। इनकी चौथी फिल्म थी मुन्ना माइकल। मुन्ना माइकल एक एक्शन म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी और ये फिल्म 21 जुलाई 2017 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और निधि अग्रवाल लीड रोल में थे और इस फिल्म को साबिर खान ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म का बजट था 41 करोड़ और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इंडिया में नेट कलेक्शन 32 करोड़ 88 लाख का किया था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में 48 करोड़ 28 लाख का कलेक्शन किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। इनकी पांचवी फिल्म थी बागी 2। एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म थी और ये फिल्म 28 मार्च 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, दिशा पाटनी, रणदीप हुड्डा और मनोज बाजपेयी लीड रोल में थे और इस फिल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म का बजट था 45 करोड़ और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इंडिया में नेट कलेक्शन 165 करोड़ 50 लाख का किया था। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में 257 करोड़ का कलेक्शन किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर भी थी। इनकी छठी फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 एक एक्शन रोमांटिक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म थी और ये फिल्म 10 मई 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के अंदर टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे और तारा सुतारिया लीड रोल में थे और इस फिल्म को पुनीत मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म का बजट 75 करोड़ और इस फिल्म ने इंडिया में बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन किया था 70 करोड़ 86 लाख का। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में बॉक्स ऑफिस पर 95 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। इनकी सातवीं फिल्म थी वार। वार एक एक्शन एडवेंचर थ्रिलर ड्रामा फिल्म थी और ये फिल्म 2 अक्टूबर 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन और वाणी कपूर लीड रोल में थे और इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म का बजट था 150 करोड़ और इस फिल्म ने इंडिया में बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन किया था 318 करोड़ का। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में बॉक्स ऑफिस पर 471 करोड़ का कलेक्शन किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हुई थी। इनकी आठवीं फिल्म थी बागी 3। बागी 3 एक एक्शन एडवेंचर थ्रिलर ड्रामा फिल्म थी और ये फिल्म 6 मार्च 2020 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, रितेश देशमुख, श्रद्धा कपूर और अंकिता लोखंडे लीड रोल में थे और इस फिल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म का बजट था 100 करोड़ और इस फिल्म ने इंडिया में बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन किया था 99 करोड़ 5 लाख का और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में बॉक्स ऑफिस पर 137 करोड़ का कलेक्शन किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। इनकी नवी फिल्म थी हीरोपंती 2। स्टार्ट तो नहीं किया, खत्म मैं करूंगा। हीरोपंती 2 एक एक्शन कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म थी और ये फिल्म 29 अप्रैल 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और तारा सुतारिया लीड रोल में थे और इस फिल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म का बजट था 80 करोड़ और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इंडिया में नेट कलेक्शन 21 करोड़ 5 लाख का किया था। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में बॉक्स ऑफिस पर 28 करोड़ का कलेक्शन किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। तो कभी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो पर एक लाइक और
वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और कभी आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको टाइगर श्रॉफ की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। मैं आपको मिलता हूँ इसी तरह के किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।